हम टिकटॉक्स बना रहे हैं, हम एडिट्स बना रहे हैं, शाहीन ने बाबर को ऐसे कर दिया उस मैच में, तो ये देखें ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कैप्टन की, और ये आई थिंक इट्स एन इमोशनल स्पोर्ट. ब्लेम कर देते हैं कि ये वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीते, ये इंडिया से नहीं जीते, ये यूएसए से हार गए हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट स्क्वाड या दैट 15 मेंबर स्क्वाड, दैट 18 मेंबर स्क्वाड. जो बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लीक्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रही है, उसकी पूरी पूरी ट्वीट्स बन रही हैं, पूरे पूरे उसको कोट किया जा रहा है कि गैरी कर्स्टन ने ये बोल दिया है कि टीम में यूनिटी नहीं है, या बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ लेके जो है वो पोस्ट कर दी जा रही है. ये क्यों हो रहा है हसन? आई एम वेरी कंफ्यूज, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी यूज्ड टू एसोसिएट विद दिस बंच ऑफ प्लेयर्स, इट वॉज कि दे ऑल बैक्ड ईच अदर, दे वर अ टीम, दे वर ब्रदर्स. And जब भी मेजर सर्जरी होनी होती है उससे पहले बहुत से टेस्ट होते हैं, उससे पहले बहुत सी चीजें जांची जाती हैं या भांपी जाती हैं, आपको देखा जाता है कि वो पोस्ट सर्जरी प्रोसीजर का क्या होगा, रिकवरी कैसे होगी. आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ दैट. एक चीज जरूर है कि इस सिलेक्शन कमेटी में रिप्रेजेंटिंग अ 5 मेंबर बेंच, उसमें ऐसा जरूर किया गया था कि कोई भी हेड नहीं था इस सिलेक्शन कमेटी का, तो ऐसा था कि एवरीबडी हैड एन इक्वल वोट. But in terms of the people, I guess, who had the most spotlight on them, I guess, bore that responsibility on them. The chairman might be better able to answer why Wahab Riaz and why Abdul Razak, specifically those two individuals. But Wahab himself was in a unique position. That had never happened before, right? That Wahab Riaz was also a selection committee ka hissa bhi the. And then he was also the senior team manager, which had never happened before. So I wasn't surprised on that front. I mean, if you're trying to go in a new direction, that is something they would likely have and done. He was the chief selector prior to this committee being formed, right? So yeah. एक तो ही केम इन टू दैट रोल प्रिटी मच ऑटोमेटिकली बिकॉज एक पैनल पूरा फॉर्म हो गया. उसमें बहुत इस पर भी अभी तक डिबेट हो रही है कि उस पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए या मे बी देर नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट. एंड देन उसके बाद ऑफकोर्स वी न्यू के वहाब रियाज इज ऑल्सो ट्रेवलिंग विद द टीम एज सीनियर टीम मैनेजर, विच इज अ न्यू रोल, पहले नहीं कभी सुना. मंसूर राणा हु हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ड्यूटीज, ही वॉज द मैनेजर एंड ही हैज बीन द मैनेजर फॉर अ वाइल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं. सो हर दिन कुछ ना कुछ न्यू हो रहा है जो कि शायद ही दुनिया में किसी और टीम में हम देखते हैं ऐसा होते हुए. और आज फिर हमें बड़ी इंटरेस्टिंग आज हसन हम बात करते हैं क्योंकि अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया. वही जो आपने बात की कि बहुत टेस्ट होते हैं बिफोर यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सर्जरी, और कोई नी जर्क रिएक्शंस और सैकिंग जो है वो हमेशा आंसर नहीं होता है. बट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट टुडे दैट आई आल्सो लाइक टू बाउंस ऑफ ऑफ यू. हम बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस को, हम रिलेट करते हैं स्टेबिलिटी के साथ व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट, व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, व्हेन इट कम्स टू कोचिंग. जब आपके टॉप लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस में वो, हमने पहले भी बात की है कि वो ट्रांसलेशन नहीं होगा बिकॉज बार बार कोचेस चेंज हो रहे हैं, चीफ सेलेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, चेयरमैन आ रहे हैं और जा रहे हैं. आखिरी अगर हम बात करें सिंस 2021, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है अगर आप लोग साथ हमें इस पे फॉलो करें क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे और हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है कि सिंस 2021 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 चेयरमैन जो है वो बदले हैं, राइट? इसमें अगर हम नाम लें, एहसान मानी ने जब अपनी पोस्ट छोड़ी, उसके बाद रमीज राजा आए, फिर नजम सेठी आए, फिर जका अशरफ, एंड दिस इज करंटली द 5th चेयरमैन इन द लास्ट 4 ईयर्स, मोहसिन नकवी, जो कि अभी ही इज एट द हेल्म राइट नाउ. बट दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट वेयर ही स्टॉप. जब आपके ऊपर लीडरशिप चेंज हो रही है, जब चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी चेंज हो रहा है, तो साथ वो अपने मर्जी के चीफ सेलेक्टर्स भी लेके आ रहे हैं. उसकी लिस्ट में भी अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो 5 चीफ सेलेक्टर्स जो हैं उन्होंने ओहदा संभाला है सिंस 2021. मोहम्मद वसीम, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, उनके रिजल्ट्स भी सबके सामने हैं. शाहिद अफरीदी आए फॉर अ लिटिल वाइल इंटरिम पोजीशन में, हारून रशीद आए, इंजमाम उल हक आए, एंड देन वहाब रियाज हु वाज द चीफ सेलेक्टर. एंड देन ऑफकोर्स उसके बाद अगर हम देखें कि जो चीफ सेलेक्टर आ रहे हैं, साथ साथ हेड कोच और जो कोचिंग सेटअप है वो भी बदल रहा है. 7 हेड कोचेस चेंज हुए हैं सिंस 2021, जिसके अंदर 2 इंटरिम कोचेस भी हैं. उसकी भी मैं अगर आपको लिस्ट पढ़ाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग लिस्ट है क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स और रीजन्स की तरफ हम दोनों दोबारा वापस मूव कर गए हैं. देन यू टॉक अबाउट द कोचिंग स्टाफ, द मैनेजमेंट, द टीम मैनेजमेंट इटसेल्फ, देन यू टॉक अबाउट द सेलेक्टर्स इटसेल्फ. अनलेस
यू हैव समबडी विद अ विजन हु कैन इम्प्लीमेंट दैट विजन, और विजन को इम्प्लीमेंट करते हुए भी आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं और उसके रिजल्ट्स हमेशा फॉरन नहीं आते, वो उसके बाद आते हैं. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इजिली टू 3 to 4 to 5 years which we've been unable to see. ये जब इनसिक्योरिटी टॉप डाउन ट्रिकल डाउन होती है, ये ना सिर्फ मैनेजमेंट में आती है, ये प्लेयर्स में भी आती है. इफ प्लेयर्स डोंट नो कि कोचिंग स्टाफ किस तरह के प्लेयर्स को चाहता है, किस तरह का फॉर्मूला चाहता है, उनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने की किस तरह, दे आर अनक्लियर अबाउट देयर रोल. इट्स ऑल अबाउट द कलेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट वेयर यू वॉन्ट टू सी एवरीबडी हु ऑल द स्टेक होल्डर्स विद इन द PCB, be it players, be it the management, be it everybody who's trying to make the game better, more popular, easier access for people and everything else involved. I mean, they'll always be troubled. It's like the aap zalzale pe zalzala aata ja raha hai, aap kis tarah khade rahenge apni jagah pe. Aur ye I think fans ko bhi understand karne ki zarurat hai ki jo 15 ka squad ya jo 18 ka squad select hota hai ya jisko hum badi aasani se blame kar dete hain ki ye world cup khel ke aaye hain, world cup nahi jeete, ye india se nahi jeete, ye usa se haar gaye hain. It's not about that squad ya that 15 member squad, that 18 member squad. Unke piche ek bahut zyada chaos जो चल रहा होता है, जो एक एक जिसे कहते हैं ना instability जो है PCB के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. ऑफकोर्स कैप्टेंसी को, फिर कोचेज बिल्कुल लास्ट मिनट पे ज्वाइन करना राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड ऑफकोर्स हमारे साथ हमें हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हसन कुरैशी ने ज्वाइन किया. हसन, वेलकम बैक टू ग्लिटरारटी. वी वर टॉकिंग अबाउट द इनस्टेबिलिटी, एंड सिंस 2021 वी हैड 5 chairmen, 5 chief selectors एंड 7 head coaches. And now the latest on Pakistan cricket is के वहाब रियाज भी sack हो गए हैं, अब्दुल रजाक sack हो गए हैं. Your thoughts on this instability? क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली काम किया है टीम्स के साथ, और किस तरह वो environment इफेक्ट होती है जब आपकी लीडरशिप, एंड by लीडरशिप आई डोंट मीन द कैप्टन, बट directions कमिंग इन फ्रॉम द हेड कोच, कमिंग इन फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी, जब वो बार बार चेंज होती है, कितना इम्पैक्ट होता है एक टीम के ऊपर, खासतौर पर गोइंग इन टू अ वर्ल्ड कप. आप और हसन जैसे बात कर रहे थे, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू बोथ मेड इज के यू नो इंस्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम द टॉप. वी हैव नॉट हैड अ फर्स्ट क्लास सिस्टम जिसमें वही फॉर्मेट 2 साल से ज्यादा खेला गया हो सिंस 1952. आपकी जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन है उसका फॉर्मेट वो नहीं रहा. आप कहीं और चले जाएं, वो फॉर्मेट शेफील्ड शील्ड सिस्टम हैज रिमेन द सेम, द काउंटी सिस्टम गिव और टेक लिटिल चेंजेस हैज रिमेन द सेम, नेक्स्ट डोर द सिस्टम हैज रिमेन द सेम. आपके यहाँ कभी रीजन्स खेल रहे होते हैं, कभी डिपार्टमेंट्स खेल रही होती हैं, कभी शहर खेल रहे होते हैं. अब एक दिन एक प्लेयर एक रीजन के लिए खेल रहा है, अगले दिन वो एक शहर के लिए खेल रहा है. यू वेंट फ्रॉम अ वेरी कम्पेटिटिव 6 region tournament T20 नेशनल T20 कप टू विद इन 8 months लेटर अ 28 team tournament फीचरिंग द सेम प्लेयर्स. What kind of stability is that giving? Yeah. Whereas एक दफा आपके पास जो टैलेंट पूल था, यू हैड टू फाइट टू गेट इन टू दोज 6 teams, अब 28 team है, अब आप कहाँ कहाँ से प्लेयर्स लाएंगे. सेकेंडली आपने बात की लीडरशिप की, लीडरशिप लेवल हैज टू स्टार्ट एट द ग्रास रूट्स लेवल. एक प्लेयर अगर एक टीम में से आ रहा है, एक रीजन में से आ रहा है, इफ इज गेटिंग द राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप, इफ इज गेटिंग द राइट. हमने देखा कि आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सलमान अली आगा वाज नॉट प्लेइंग फॉर हिज होम रीजन, ही केम टू सदर्न पंजाब, ही एक्सेल्ड टू द पॉइंट दैट ही मेड इट टू द पाकिस्तान टीम. वेयर इज एनीवन एल्स हु इज नाउ स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू दैट टीम गोइंग टू फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज नाउ. अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देंगे खिलाड़ियों को, जैसे हसन ने कहा, रोल्स की क्लैरिटी नहीं होगी, एंड लाइक यू राइटली सेड कि जब प्लेयर्स को ही नहीं पता होगा, एक कोच आते हैं, उनकी एक विजन होती है, वो इंप्लीमेंट करते हैं, 4 महीने वो विजन रहती है, चेयरमैन चेंज होते हैं, कोच चेंज हो जाता है, अब प्लेयर का रोल वो डिफरेंटली डिफाइन करना शुरू कर देते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इश्यूज विल लीड टू द काइंड ऑफ, अनफॉर्चुनेटली विल लीड टू द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज वी आर सीइंग. आप दूसरी टीमों को देखें जहां पे एक कंटिन्यूटी है रोल की, और आप हमें देखें जहां कोई, अब लोग कह रहे हैं जी कोच तो टूर्नामेंट से 5 दिन पहले आए हैं, उनको क्या आइडिया होगा, उनको क्या पता होगा इनर वर्किंग्स का. ठीक है, उन्होंने आपको टूर्नामेंट के दौरान उनकी रिपोर्ट आ गई है, बट एवरीथिंग दैट्स गॉन इनटू मेकिंग दिस टूर्नामेंट इन द लास्ट 6 months, उसमें ना तो उनका कोई से था, ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी. सो यू आर वेरी राइट दैट यू कांट जस्ट ब्लेम दीज प्लेयर्स, यू हैव टू लुक एट द वाइडर सिस्टम, एंड द वाइडर सिस्टम जो है हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा है. And जब तक उसको आप एक स्टेबिलिटी और एक विजन और एक क्लैरिटी नहीं देंगे, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी मोर ऑफ दीज इश्यूज अनफॉर्चुनेटली रादर देन सीइंग लेस ऑफ देम. एंड
हम अभी बात करेंगे जो नई सिलेक्शन कमेटी अभी फॉर्म हुई है, ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पैक्ड होम सीजन, उसके ऊपर भी हम अभी मजीद बात करेंगे. बट बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट कोचेज, एक बहुत रिकरिंग प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें. ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था वर्ल्ड कप के दौरान, कोचेस जो टीम मीटिंग्स हो रही हैं, जो बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लीक्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रही है, उसकी पूरी पूरी ट्वीट्स बन रही हैं, पूरे पूरे उसको कोट किया जा रहा है कि गैरी कर्स्टन ने ये बोल दिया है कि टीम में यूनिटी नहीं है, या बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ लेके जो है वो पोस्ट कर दी जा रही है. ये क्यों हो रहा है हसन? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी यूज्ड टू एसोसिएट विद दिस बंच ऑफ प्लेयर्स, इट वॉज कि दे ऑल बैक्ड ईच अदर, दे वर अ टीम, दे वर ब्रदर्स. एंड नाउ रिसेंट पास्ट में जो खबरें आ रही हैं कि टीम के अंदर लड़ाइयाँ हुई हुई है, ग्रुपिंग हुई हुई है, और ये जो लीक्स हो रहे हैं ये भी बहुत डेट्रीमेंटल है टू द ओवरऑल कल्चर ऑफ द टीम. ये कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, एंड हाउ डू वी पुट अ स्टॉप टू इट? आई थिंक कुरैशी साहब ने एक बड़ी मजे की बात की है, सो राइटली पॉइंटेड, कि हमारा आई गेस पीसीबी और जो हमारा बोर्ड है या जो हमारा स्क्वाड का सिलेक्शन का तरीका है या सारा कुछ, आप किसी भी बोर्ड के दुनिया के आपको उस चीफ सेलेक्टर का नाम नहीं पता होगा, ना आपको पता होगा कि वो सिलेक्शन कैसे होती है, लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था. आई थिंक दिस सो मच इंस्टेबिलिटी दैट वी गेट टू हेयर अबाउट दीस थिंग्स अगेन एंड अगेन. एंड एज यू सेड, द रीजन व्हाई वी हेयर ऑल दीस थिंग्स इज कि जब भी कुछ ऐसा होता है, व्हेनेवर द हाउस इज अंडर अटैक सो टू स्पीक बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इन दिस केस, एंड एवरीबडी फील्स लाइक कि यार वी हैव अ अपॉर्चुनिटी टू अटैक द हाउस इन अ वे, क्योंकि टीम की इस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, चेंजेस हो रहे हैं, तो अब इसको भी ब्लेम कर दो, इसको भी ब्लेम कर दो. सम पीपल जस्ट वॉन्ट टू डू इट फॉर द हेडलाइंस. दिस हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी इट द इंडियन मीडिया, बी इट द साउथ अफ्रीकन मीडिया, इट विल हैपन एवरीवेयर. बट द प्रॉब्लम इज ये चीज़ें तब ज़्यादा हाईलाइट होती हैं जब आपके अंदर से आपको पता होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें क्वेश्चनेबल सामने आती हैं जो आप आंसर नहीं कर पा रहे होते. फॉर इंस्टेंस, जिस तरह हमने बात की, किसी भी दुनिया की टीम में ऐसा नहीं हो रहा था कि दो ओपनर खेल रहे थे और तीन ओपनर फिर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे. सो व्हेन यू हैव स्टफ लाइक दैट, योर हाउस विल बी अंडर अटैक, यू नो इट्स नेचुरल. अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, टाइम विल टेल दिस. बिकॉज I mean, I know these bunch of players, they are thorough professionals in terms of putting their self on the line. It's been documented time and again. Then when it comes to the green shirt, when it comes to Pakistan, that should be the priority and that is their priority as well. And I think it's also a time at this moment to test the fans themselves. मतलब हम कोई भी बात सुन के कितने इजीली डिसोबेड हो जाएंगे या कितनी जल्दी अपने प्लेयर्स को अंडरमाइन करना शुरू करेंगे या अटैक करना शुरू करेंगे. आई थिंक जस्ट टुडे आई रेड, अभी इट्स अनकन्फर्म्ड बट आई डिड रीड समथिंग अबाउट के शाहीन शाह अफरीदी का कोई रिफ्ट हुआ है विद मोहम्मद यूसुफ ड्यूरिंग द नेट सेशन. आई मीन इतनी बेसिक और एवरी डे मंडेन चीज़ है ये फॉर अ प्लेयर टू हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाइल ही इज वार्मिंग अप, वाइल ही इज डूइंग हिज थिंग. अब इसको इतना आउट ऑफ प्रपोर्शन हसन हमने ब्लो कर दिया है, और हमने ये टीम शाहीन, टीम बाबर, टीम शादाब, टीम ये, as he pointed out कि इट्स टाइम फॉर द फैंस एज वेल टू रिफ्लेक्ट अ लिटल बिट. कि अगर आपने एक लाउजी वर्ल्ड कप खेल लिया है, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आप हर सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी के अंदर जो है वो अपने आप को कैरी कर ले और जो भी आप पढ़े उसकी तरफ आप स्वे हो जाए. आई थिंक इसमें एक पैरेलल है विद इंग्लिश फुटबॉल इन द 90s, कि जैसे टीम जो है परफॉर्म नहीं करती थी, किस्म किस्म की रिपोर्ट्स आ जाती थी, फैंस जो है रिपोर्ट्स बिलीव करके टीम्स बना के, एंड देन द रिपोर्ट स्टार्टेड सेलिंग, इट बिकेम जस्ट अ वे ऑफ अ लाइफस्टाइल. आप अगर आप देखें एनी गिवन डे इन पाकिस्तान, यू ओपन सोशल मीडिया, आप यूट्यूब चैनल से लेके कहीं पे thousands of them, everybody saying कि जी फलाने प्लेयर ने ये कहा, फलाने प्लेयर ने किसी की प्लेट में से टोस्ट उठा लिया, किसी को चाय नहीं पीने दी, यानी they're looking to create conflict. The idea of harmony or the idea of unity, nobody talks about it. अब आपने जैसे बात की, it's a very normal thing. There are times when we have heard greats from the past say कि हम पूरा पूरा दिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे, then we used to go out there and perform and win games for Pakistan because that was our focus. The idea of a coach and a player having a disagreement, an argument, and it's a rumor by the way, it's not even confirmed yet. It's not even confirmed. But उस पे लोगों ने पकड़ के अब एक एक प्लेयर को विलिफाई करना शुरू कर दिया, एक से दूसरे पे मूव ऑन करेंगे. These things are harming Pakistan cricket because like Hasan rightly said, these players, they are thorough professionals. We've worked with them, Hasan continues to work with many of them. For them, Pakistan, playing for Pakistan means everything.
they're going out there and they're trying. Yes, the results are not good. Aap results ko criticize karo. Aap inability to perform ko criticize karo. But when people get personal, people start talking about families, people start spreading things, it affects the players. Nobody wants to see that kind of stuff being said about them, especially when they're going out there to play. Ab baat ho jati hai ji, sara din sari raat baat hoti hai disunity ki. फिर आप कहते हो जी टीम में डिसयूनिटी क्यों आ रही है. ऑल दीस थिंग्स दैट आर बीइंग स्प्रेड, ऑल दीस पीपल हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, हम क्रिएट कर रहे हैं. हम टिकटॉक्स बना रहे हैं, हम एडिट्स बना रहे हैं. शाहीन ने बाबर को ऐसे कर दिया उस मैच में, तो ये देखें ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कैप्टन की. और ये I think it's an emotional sport. Yeah. They're human beings, and as you two rightly said, it's only natural to have a discord. It is, yes. I mean, you are high adrenaline, high intensity training ho rahi hoti hai. It's only natural ki you might have a debate with your coach or another player, yeah. Or you might ball a bouncer which the other didn't like, because you play and you train at match intensity. Yes. उसी intensity पे आप जब train कर रहे होते हो, it's only natural to have arguments, it's only natural to have a conflict, yeah. And it's part of the grooming, it's part of the bonding within a culture, how you move past those. अब अगर आप उसकी खबर बना देंगे तो वसीम और वकार एक दूसरे से कहते थे कि हम बात नहीं करते थे, both used to go out and bowl the oppositions away, yeah. Blow them away, right? Nobody talked about these things back then. That's how it is. But it's sad के अब fans के ऊपर भी I think it's about taking responsibility, क्योंकि ये जो team World Cup खेलने गई थी हमारी best team थी. अगर हम इसको देखें, एक आधे player के ऊपर argument हम कर सकते हैं कि ये शायद selection नहीं थे. हर किसी का अपना opinion था, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा. हमने अपने show पे भी काफ़ी in-depth discussions की थी कि ये squad में कुछ हमें भी लगे थे नाइंसाफी हुई होगी या snubs है या किसी का favorite player pick नहीं हुआ. But more or less ये squad हमारा best squad था. Available resources में से, yeah. Right? give or take a few couple of names या जो भी है. And then of course जब वो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई तो पाकिस्तान टीम को परफॉर्मेंस के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आना चाहिए था वो तो जायज़ था और उस पर हमने काफ़ी बात की है. बट आई थिंक अब थोड़ा सा बियॉन्ड दैट हम एज फैंस भी आई थिंक वी शुड डायल इट डाउन लिटिल बिट, क्योंकि आगे जो होम सीजन आ रहा है वो इतना पैक्ड है. 7 टेस्ट मैचेस एट होम, सो दिस पाकिस्तान टीम विल बी काउंटिंग ऑन योर सपोर्ट. आपने स्टेडियम्स जाना है, आपने उन स्टेडियम्स को फिल करना है. अब तो स्टेडियम्स रेनोवेट हुए हैं तो जाएं उनको फिल करें, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है. लेकिन दिस विल बी पाकिस्तान मोस्ट अ बिजी होम सीजन इन आई थिंक अ लॉन्ग लॉन्ग व्हाइल डेकेड्स. तो एक वो भी टाइम था जब हम तरसते थे कि पाकिस्तान खेलने आए टीम्स, और अभी अगले कुछ ही माह में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारी रेड बॉल क्रिकेट हसन हो रही है. बट हमने अभी फिलहाल कोचिंग के बारे में बात की, कोचिंग सेटअप के बारे में. अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जस्ट बिफोर वी ऑफकोर्स हम उसका एक फॉर्मल डिस्कशन भी करेंगे टेस्ट मैचेस की और क्या रेड बॉल स्क्वाड हमारा बनेगा. बट जस्ट बिफोर वी मूव इन टू दैट, आपका क्या हुआ, आपके क्या होप्स हैं विद दिस करंट कोचिंग सेटअप, स्पेशली जेसन गिलेस्पी हु हैज टेकन कंट्रोल एंड ही इज डूइंग दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोज कम अप नाउ वेयर प्लेयर्स आर बैक इन द नेट्स एंड दे आर वार्मिंग अप. एनी पर्टिकुलर होप्स especially with the upcoming red ball season? I say I'm very hopeful and I'm very positive looking at the changes. I think even with Gary Kirsten, ek cheez blessing in disguise ye hui Gary Kirsten ke itna late aane ki, regardless World Cup ka jo result aana tha, unhe ek free tenure milna tha aage for a couple of years to implement what he wanted to, jaise aapne kaha. Aur aapne bhi ise mention kiya ki he just got in as the World Cup was beginning. So that gave him an opportunity and also gave him to sort of like analyze everything now. In terms of Gillespie coming in and his press conference, he did the same thing. Yeah. And what I loved about his press conference was that instead of following a particular brand, unhone bass ball ki baat ki, unhone kaha Shan aggressive bhi khelna chahte hain, Australia mein bhi aise khele. Unhone kaha dekhen pragmatic cricket ki hum baat karenge. कुछ जगह पर पॉजिटिव क्रिकेट एग्रेशन उसे कहते हैं कि बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आपने वो एक सेशन डिफेंड करके निकालना है. कहीं जगह पर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सीज द इनिशिएटिव अगेंस्ट द ऑपोजिशन, तब वहां पर आप वैसी क्रिकेट खेलते हो. द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट हिम वॉज ही वॉज लाइक के फिटनेस के ऊपर देर इज नो डिबेट. एज एन एथलीट, एज अ टॉप प्रोफेशनल, वी शुडंट इवन बी टॉकिंग अबाउट इट. So that's the standards he's going to set. Number two, the thing I really liked about
what he was talking about was consistency. He said, my goal is to make Pakistan team consistent throughout those sessions. Yes, you will lose those sessions, you will win those sessions. We saw it in Australia. Pakistan ne kuch sessions bahut acche khele aur aise laga kahi mauke par ki hum wo test match jeetenge, khaas taur pe jo Brisbane wala test match tha. But that's the thing, how can you be consistent over a period of 5 days? That's going to be his focus, and I think that bears very well for Pakistan cricket. And I wonder how much he will focus on the domestic first class season as well, kyunki jitni criticism wahan pe hoti hai na players ki, jab wo longer spells nahi bowl kar pate, unki fitness nazar aa raha hota nahi hai to play these many tests back to back. Hasan, what do you think his role is going to be like when it comes to focusing on and making sure ki jo players aa rahe hain hamari test team ka future banne ke liye? Because ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्लेयर्स को आप जो परफॉर्म नहीं करें उनको निकाल दें, पर आई थिंक वी ऑल नो हम किसकी बात कर रहे हैं. समबडी लाइक शादाब खान, वी वुड लव टू सी हिम कम बैक व्हेन ही इज बैक इन फॉर्म, बट राइट नाउ लुकिंग अहेड, जो प्लेयर्स अब आएंगे इस टेस्ट सीजन में, स्पेशली इन दैट फर्स्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, हाउ विल ही इंश्योर, द हेड कोच, हाउ विल ही